हाय गाइस, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे। माय ब्लॉग चैनल SPN07 में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। गाइस, ये आप देख सकते हो रोड राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 है, जो कि ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जोड़ता है। गाइस, यहां पर थोड़ा सा रोड ख़राब हो चुका है, रोड बहुत ही ख़राब है। यहाँ पर रोज़ जाना हज़ारों गाड़ियाँ चलती है इस रोड में। यहाँ पर दूर बहुत ही डस्ट उड़ता है यार, यहाँ देख सकते हो। यहाँ पर कहीं रोड ख़राब है तो कहीं रोड अच्छा है। देखिए, यहाँ पर रोड थोड़ा सा ठीक है और गाड़ी चलाने में भी मज़ा आ रहा है। गाइस, ये देखिए, अभी हम निकल चुके हैं भोपाल से चिमगढ़ की ओर। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। भाई, ये थोड़ा सा मोड़ है आगे में, आप देख सकते हो। ये विद्युत ऑफिस है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये खतरनाक मोड़ है भाई। यहाँ पर आए दिन दुर्घटना होती रहती है, देख सकते हो। एल साइज का ये मोड़ बहुत ही खतरनाक। गाइस, आगे में गुटेर नाला है, जो कि बहुत ही पुराना हो चुका है, आप देख सकते हैं। गाइस, ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। गाइस, वीडियो में बने रहिए, आगे का नज़ारा देखते हैं। गाइस, ये आप देख सकते हैं, राइट साइड में प्रतापगिरी वाटरफॉल के लिए जा सकते हैं। गाइस, ये काराकुप्पा ग्राम पंचायत है और उसका आश्रित पार्क कोयला भट्टी है, जो कि ये मेन रोड से लगा हुआ है। आप देख सकते हो, यहाँ पर भी रोड थोड़ा सा ख़राब है। We'll be right back.
हाई से आप देख सकते हो यहाँ पर रोड ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है और यहाँ का नज़ारा देखने लायक बनता है। यहाँ पर अभी काम चल रहा है गड्ढा फाटने का, जो भाई लोग इधर बाइक खड़ा करके काम कर रहे हैं, देख सकते हो ये खूबसूरत नज़ारा। आज थोड़ा सा धूप बढ़िया निकला हुआ है भाई, जैसे कि ट्रक दो लौड़ाते हुए। गाइस हम लोग अभी कोकानार पहुंचने वाले हैं, आप देख सकते हो सामने से ऑटो आ रही है भाई, अभी बहुत स्पीड जा रही है, रोड खराब है फिर भी। देख रहे हो भाई से कोकानार बस्ती है, आप देख सकते हो ये खूबसूरत सा गांव, रोड के दोनों ओर घर मन बने हुए हैं। यहाँ पर फ्राइडे के दिन भी मार्केट लगता है और देख सकते हो यहाँ का नज़ारा। गाइस मैं आप लोगों को तोंगपाल तक का अलग अलग बागों में वीडियो बना के दिखाया, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके ज़रूर देखिए। आप देख सकते हो सामने से ट्रक देख रहे हैं भाई, इसको साइड देखना है, सामने से टिप्पर भी उतनी रेस में आ रही है यार, इसको ट्रक को आगे की ओर निकालते हैं, देखिए ट्रक कितना स्पीड भग रहा है, देख सकते हो भाई। इस वीडियो में बनी गई है, अभी मैं ट्रक के आगे निकल चुका हूँ, ये देखिए अभी कोकानार बस्ती को पीछे छोड़ते हुए आगे की ओर निकल रहे हैं भाई, देख सकते हो। We'll be right back.
गाइस ये आप देख सकते हो हम लोग अभी रोकेल पहुंचने वाले हैं। ये देखिए खूबसूरत से पुल यहाँ पर बना हुआ, यहाँ से थोड़ा सा रोड ठीक ठाक नज़र आ रहा है, फिर भी आगे में गड्ढे हैं देख सकते हैं। इस रोड में जगह जगह इसी प्रकार है पाकेला तक भाई, देखिए बहुत ही खराब रोड हो चुका है यहाँ पर, इसको मरम्मत कार्य भी नहीं किया जा रहा है। रोज़ाना हजारों की संख्या में गाड़ियाँ चलती है, रोड तो ख़राब होना ही होना है, यहाँ अगर कोई ध्यान नहीं देगा तो आप लोग देख सकते हो। गाइस ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये रोकेल गांव है, हम लोग अभी रोकेल पहुँच चुके हैं। देख सकते हो यहाँ पर गाड़ी ख़राब हो चुका है भाई, बहुत दिन से खड़ा है यहाँ पर। ये देखिए ये रोकेल का बस्ती है, यहाँ पर शिव मंदिर भी है, महाशिवरात्रि के दिन बढ़िया शिवरात्रि यहाँ पर मनाया जाता है भाई। ये देख सकते हो ये पूरा ग्रामीण इलाका है, और संडे के दिन यहाँ मार्केट भी लगता है। हो सके तो आप लोगों को एक दिन जरूर यहाँ का वीडियो बना के दिखाऊंगा। सो गाइस वीडियो में बने रहिए, अभी चिंतगढ़ पहुँचने में 4-5 मिनट और लगेंगे। गाइस आप देख सकते हो हम लोग अभी चिंतगढ़ पहुंचने वाले हैं, पहुंच ही गए हैं समझो। ये देखिए ये तहसील कार्यालय चिंतगढ़ का, इधर लेफ्ट साइड में, सामने राइट साइड में जनपद पंचायत चिंतगढ़ जो है, ये देख सकते हो इधर गाड़ी खड़े है, जनपद पंचायत चिंतगढ़ है, ये देख सकते हैं ब्लॉक ऑफिस आप देख सकते हो। गाइस अगर आप लोग मेरा पिछला वीडियो चिंतगढ़ से सुकमा और सुकमा से धर्मपाल और धर्मपाल से कोंटा, कोंटा से छत्ती तक का वीडियो आप नहीं देखे होंगे, तो वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके ज़रूर देखिए। गाइस वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।
ये देख सकते हो इधर सामने ट्रक जा रही है भाई, ट्रक को काटने के चक्कर में देखिए अभी आगे की ओर जा रहा हूँ। देख सकते हो अभी चिनगढ़ बस्ती पहुँचने वाला है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर बसा हुआ है इधर मोटरसाइकिल का टीवीएस शोरूम है, यहाँ पर चिनगढ़ में अभी अभी खुला है। आप देख सकते हो ये पूरा चिनगढ़ बस्ती है, ये देख सकते हो पूरा बस्ती है। गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।